Assalamu alaikum. You are watching Amna's YouTube channel. Nowadays, I see a lot of students are asking, what's the difference between CV and resume? Is there any difference or we can use it interchangeably? बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि CV और resume में difference नहीं पता होता कि कहाँ पर CV लिखनी है और कहाँ पर resume लिखना है और किस तरह लिखना है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर लिया जाए ताकि आप में से बहुत से लोगों की ये कन्फ्यूजन जो है वो फिनिश हो जाए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन और इंडियन पीपल होते हैं वो सीवी और रिज्यूमे दोनों को यूज़ करते हैं, बट ब्रिटिशर्स जो होते हैं दे यूज़ ओनली सीवी। ब्रिटिशर्स जो होते हैं, हम ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो पाकिस्तान में भी जो है वो सीवी उस तरह से लिखी जाती है। रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है कॉमन जिस तरह से जो है वो सीवी का कॉन्सेप्ट है। सीवी लिखी जाती है, रिज्यूमे जो है वो इस तरह से कॉमन नहीं है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में जो है वो रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट भी जो है वो लाया गया है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो सीवी और रिज्यूमे को जो है वो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे। ओके, फर्स्ट टॉक अबाउट सीवी। सीवी के डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इट इज़ जस्ट एन एब्रिविएशन फॉर करिकुलम विटाए। सी से करिकुलम होता है, वी से विटाए होता है। ये एक लैटिन वर्ड होता है विच मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ और रिकॉर्ड ऑफ योर लाइफ, यानी आपकी लाइफ का, आप मैट्रिक कहाँ से किया, सेकेंड ईयर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से आपने की, मास्टर्स कहाँ से किया और एक्स्ट्रा जो आपकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उन की सारी डिटेल इसमें आ जाती है, ठीक है। और बेसिकली ये लॉन्ग होती है और डेट कवर्स योर एंटायर करियर। रिपीट हो गई बात, ये आपकी एंटायर करियर को जो है वो कवर करती है। आपका सारा का सारा लाइफ में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्वालिफिकेशन रही, आपकी जो एजुकेशनल आप इंस्टीट्यूशन में जहाँ जहाँ आपने पढ़ा, इसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीवी जो है वो लॉन्ग होती है, तो आप में से अक्सर लोग अभी सोच रहे होंगे कि कितनी लॉन्ग होती होगी। तो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि देर इज़ नो लेंथ रिक्वायर्ड फॉर सीवी। सीवी के लिए कोई लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है। 3 to 10 पेजेस हो सकते हैं, बट जनरली द मोर एक्सपीरियंस यू हैव द लॉन्गर योर सीवी विल बी। आपका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा सीवी उतनी ही लंबी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन की है, एफए किया है, मास्टर्स किया है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत हैं, आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से कोर्सेज किए हैं, अवार्ड्स लिए हैं, ठीक है, अचीवमेंट अवार्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और वर्क एक्सपीरियंस पे ये डिपेंड करता है। जितना एक्सपीरियंस होगा आपकी सीवी उतनी ही लंबी होगी। आपने इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है, इसलिए इसकी कोई लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने अपना स्टार्ट से एंड तक सारी डिटेल इसमें बतानी होती है, मेंशन करनी होती है। आई थिंक आपको सीवी तो अब क्लियर हो चुका होगा। ओके, नाउ टॉक अबाउट रिज्यूमे। रिज्यूमे की बात करें तो सबसे पहले इसके प्रोनाउंसिएशन देख लें। हम इसको प्रोनाउंस करते हैं रिज्यूमे, फाइन। रिज्यूमे के बारे में याद रखिएगा कि इट इज़ शॉर्ट एंड इट हैज़ नो पर्टिकुलर फॉर्मेट रूल। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये बहुत शॉर्ट सी होती है, ब्रीफ सी होती है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने इसमें देना होता है, कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस ना हो, फाइन। जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो, जो फ्रेश फ्रेश ग्रेजुएट हुए हों या मास्टर्स हुए हों, तो वो रिज्यूमे लिखते हैं, फाइन। रिज्यूमे में याद रखिएगा कि अगर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो शॉर्ट सी, ब्रीफ सी करके जो है वो लिखनी होती है। इसमें याद रखिएगा कि उतना ही रेलेवेंट स्किल्स लिखते हैं जितना जॉब के लिए मांगा होता है, जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपने डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करना होता है, फाइन।
रिज्यूमे लिखते हुए हम इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कंसाइज जो है वो लिखते हैं। इंफॉर्मेशन ऐसे लिखी जाती है कि जो बहुत शॉर्ट हो, मुख्तसर हो, जो इजीली पढ़ी जा सके, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और सीवीज रिज्यूमे वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पढ़ने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ढेर सारे सीवी रिज्यूमे को जो है वो डिटेल में पढ़ सके। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। टिप ये है कि जब आप सीवी या रिज्यूमे जो है वो बनाते हैं, टाइप करते हैं, तो आपने जो है वो ये याद रखना है कि आपकी लैंग्वेज ऐसी ना हो कि जिससे आपको खुद ही पता ना हो कि आपने लिखा क्या है। आप जो इन्फॉर्मेशन उसमें टाइप कर रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। प्लस अगर आप कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो तो आप उसको बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ का ख्याल रखना मत भूलिएगा। आई थिंक आपको मेरा आज का ये लेक्चर सीवी और रिज्यूमे क्लियर हो चुका होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।